शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीदी वाले दिन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 24 मार्च 1931 की सुबह जिन लोगों को अखबार मिला उन्होंने यह खबर पढ़ी काली पट्टी वाली हेडिंग के साथ कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में पिछली शाम 7:33 पर फांसी दे दी गई। वह दिन सोमवार का था। उस शाम को जेल में 15 तक इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। भगत सिंह को फांसी की सजा केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के मामले में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि भारत में उस समय फांसी को लेकर जिस तरह से विरोध और प्रदर्शन हो रहा था उससे अंग्रेजी सरकार डर गई थी, इसलिए फांसी की तय तारीख 24 मार्च 1931 से एक दिन पहले ही चुपचाप फांसी दे दी गई। फांसी के समय कुछ आधिकारिक लोगों में यूरोप के डिप्टी कमिश्नर भी थे। जितेंद्र सान्याल की लिखी किताब भगत सिंह के अनुसार ठीक फांसी पर चढ़ने से पहले भगत सिंह ने उनसे कहा, मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपको यह देखने को मिल रहा है कि भारत के क्रांतिकारी किस तरह अपने आदर्शों के लिए फांसी पर भी झूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं 23 मार्च 1931 यानी फांसी वाले दिन क्या क्या हुआ था। जब भगत सिंह जेल में थे उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। फांसी पर जाने से ठीक पहले भी वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। तभी जेल के अधिकारियों ने उन्हें सूचना दिया कि उनकी फांसी का समय आ गया है। तो भगत सिंह ने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 के बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। अंग्रेजों को डर था कि फांसी के बाद कोई आंदोलन ना भड़क जाए, इसलिए अंग्रेजों ने शहीदों के मृत शरीर को कई टुकड़ों में करके फिर बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे दिखा पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस घटना को सोचकर ही रूह कांप उठती है। उसे देख पाने की हिम्मत शायद ही किसी में होगी। वहाँ अंग्रेजों ने घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर जलाने लगे। आग जलती हुई देख हजारों की संख्या में वहां भारतीय पहुंच गए, जिससे डरकर अंग्रेजी सिपाही अधजले लाश के टुकड़ों को सतलज नदी में फेंककर भाग गए। इस भीड़ में भारत की जनता के साथ साथ लाला लाजपत राय की बेटी और भगत सिंह की बहन भी मौजूद थी। भारत की जनता ने पार्थिव शरीर को बड़ी सम्मानजनक श्रद्धांजलि देते हुए विधिवत दाह संस्कार किया। इस घटना के बाद अंग्रेजों के साथ साथ गांधी जी को भी इनकी मौत का जिम्मेवार समझा जाने लगा। आज की जेनरेशन को इसका अंदाजा भी नहीं है कि आज़ादी को पाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई, हमारे देश के कितने वीर लालों को खोना पड़ा और कितना कुछ सहने के बाद यह आज़ादी हमें मिली है, जिसे आज सभी भूल चुके हैं और देश के राजनीतिक सियासत देश को ही लूटने में लगे हैं। इस वीडियो को सभी के साथ जरूर शेयर करें ताकि देश के लिए दी गई कुर्बानियां मिटने ना पाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।